टास्क इंजीनियर विजय, और आपको आज वाशिंग मशीन कैसे असेंबल किया जाता है आपको बताऊंगा। थोड़ा देखेंगे, अभी हमने नई वाशिंग मशीन का सभी पुर्जे अलग अलग कर दिए हैं और पुर्जे देखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हमारा ट्विन टब है, ये हमारा बेस हो गया, दो मोटरें हो गई, गियर बॉक्स, स्पिन टब, फ्रंट शटर, सील, सभी चीज़ों को हमने अलग अलग कर दिया है और इसको हम असेंबल करेंगे। कैसे असेंबल होगा एक बार देखेंगे। अब अब हमने नया बेस लिया और इन दोनों मोटरों को फिट करेंगे और देखेंगे कैसे होता है। डायरेक्ट मतलब आप लोग कम नहीं हुआ, आप लोग थर्ड पार्टी से नहीं हो। स्पिनिंग मोटर थर्ड पार्टी से दिया गया, लेकिन अगर काम करने वाली जो कंपनी है तो मगर कोई नहीं है। कहाँ चली गई बात करो, चलो कोई कंपनी रोक दो। अच्छा, इसमें क्या बोलते हैं ऊपर वाले को पार्ट को, चश्मा ये मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल यहाँ रखा है। अच्छा, और क्या है, ये क्या है, ये थोड़ी देर में बात करते हैं, रुको ना। चलो रुक दो, सॉरी ये है बेस, बेस के अंदर ही इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे हुए हैं, चश्मा के बाद अंदर ये मोटर जैसा है और ये वो है ना। बैंक को बनाने के लिए नाम लगा।
तो हम फिर लगाएंगे इसके ऊपर। कारीगर पूरा कर बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। कई ब्रांच मैनेजर अभी करते हैं। ये लगाने से पहले लॉक लगेगा यहाँ पर, वो लगाते हैं। साहब मेरे बड़े भाई हैं ये, राजगीर लाओ तो मैं प्रचार करता हूँ। कितना फरमान खान, फरमान खान, फरमान खान नहीं आता। मैं भी लिंक भेज दूंगा आपको, अभी लिंक भेज दूंगा। लिंक भेजो यार, कमाल है। बताओ यार, बड़े बड़े लोग 10 साल में 10 लाख रुपए का आदमी हो जाएगा यूट्यूब से। एक घंटे का बिल पे करूंगा, वो स्पीड का है। मैंने बात करी कस्टमर के से, फिर बात होगी। हाँ और गोटी से रख के ब्रेन का ब्रेन वाले में, और ये ब्रेक व्हील का ब्रेक वाले में, टोटल वायर लाइन ले रखी, लाइन तो
8800 भाई। ट्रेन किधर होगा? इधर होगा। ट्रेन ऑफिस की